जन जुलूस में मारा नहीं गया, नहीं गया। उनको बुला के एक संगठन के बीच में उनको गाड़ी से बीस सड़क पर मार, कितने कितने लोग थे उन लोग, जो भी प्रजाति जो भी जाति के थे, कितने लोग थे, कम से 40 से 50। तुम्हारी बात को हम समझ रहे हैं, अभी नहीं है समझ। ठीक है, ठीक है। उस भी एक लड़का को 50 लोग मिल के, और उसमें कोई और कोई धर्म के था ये बताइए, जो बोलते हैं कि हिंदू और मुस्लिम नहीं करो। मेरी बात को समझो पहले, मेरी बात को समझो। मैंने क्या बोला, सुनो यार, सुनो मैंने क्या कहा, सुनो यार, सुनो मेरी बात। मैंने कहा कि विद्यार्थी का कोई ना हिंदू होता है ना, विद्यार्थी का मैंने बात किया। जी सर, यस सर, विद्यार्थी का बोला गया, पर्टिकुलर संगठन की बात नहीं किया। क्यों इसको मारा गया, हमारा भावना हम समझ रहे हैं कि मारने वाला। उसके बाद मंदिर का मूर्ति तोड़ दिया गया। सारा समझ गए हैं, जो लोग है खास लोग के द्वारा इसकी हत्या की, ठीक है। तो क्या आपराधिक प्रवृत्ति का कोई जात और धर्म होता है क्या? नहीं सर, इस तरह के लोग पर कार्रवाई होना चाहिए। अरे यार, अरे को बोले क्योंकि इसमें हरेक धर्म का हरेक जाति का मिल के हत्या करता, तो आज हम इस चीज को नहीं उठाते। हमारा एक बच्चा पर, नाबालिग पर हमारा 50 लोग मिल के हत्या कर दिया, 20 साल पर क्यों नहीं उठाए? स्टूडेंट हो कि पास आउट होते ही बताओ, स्टूडेंट हो ना, मेरी कोई एक्शन नहीं लिया। 50 लोग का नाम दर्ज करवाया गया, उसमें से 2 अभी तक गिरफ्तार हुआ, 25 लोग खुला घूम रहा है। आज कब तक हम लोग हिंदू लोग कब तक अत्याचार सहेंगे? हमारा मांग, हमारे अत्याचार, हमारी मजबूरी सरकार क्यों नहीं सुनती है? रुपेश पांडे माई का एक लाल था, उसका कोख उजड़ गया। आज उसका माँ इमरजेंसी बेड में मौत का इंतजार कर रही है, वो अभी मर जाएगी, आज मरेगी कल मरेगी। आखिर यही अत्याचार ये मुस्लिम के साथ क्यों नहीं होता? मुस्लिम के साथ होता है, तुरंत सरकार प्रशासन तुरंत खड़ी हो जाती है। कल यही कर्नाटक में हिजाब को लेकर मामला दर्ज हुआ, कर्नाटक का मामला था, आज पूरे देश में कल यहाँ आपका बासपुर से लेके नया बाजार तक पूरा जाम था, एक चिट्ठी चलने का जगह नहीं था। यह मुस्लिम के साथ तुरंत खड़ा होता, तुरंत सरकार सुन लेता, हमारे हिंदू के साथ होता है क्यों नहीं सुनता? हम किसके पास जाए? हमारी मांग है उस 2700 को फांसी चाहिए, पहले गिरफ्तारी चाहिए, गिरफ्तारी के बाद पहले फांसी चाहिए। और दोनों माँ बाप को, रुपेश पांडे के माँ बाप को सरकारी नौकरी चाहिए, और 50 लाख का मुआवजा चाहिए।